देहरादून से छात्रवृत्ति घोटाला मामले में नैनीताल हाईकोर्ट से अमित कपूर को झटका लगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित कपूर को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया है। मामले में सरकार को 11 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरवंश कपूर के बेटे हैं अमित कपूर, तो अब गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया गया, तो अमित कपूर को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका। तो छात्रवृत्ति घोटाला मामला है जिसमें अमित कपूर आरोपी हैं, तो नैनीताल हाईकोर्ट ने अब उनकी गिरफ्तारी को लेकर ये बड़ा झटका अमित कपूर को दिया है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, तो मामले में सरकार को 11 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। तो 11 फरवरी को सरकार अपना पक्ष जो है वो यहाँ पर रखेगी। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरवंश कपूर के बेटे हैं अमित कपूर, तो नैनीताल हाईकोर्ट से अमित कपूर को बड़ा झटका। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। तो कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ इनकार किया है। तो छात्रवृत्ति घोटाला मामला है और जैसे ही घोटाला सामने आया उसके चलते अमित कपूर का नाम भी इसमें शामिल था, जिसके बाद अब कोर्ट ने इस गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया है। तो आपको बता दें कि अमित कपूर ने अपने आप को बचाव में ये चुका लगाई गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया है और रोक से इनकार किया है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। और इसी बीच हम संवाददाता सौरभ भाटिया का रुख कर लेते हैं। सौरभ, नैनीताल हाईकोर्ट से अमित कपूर को बड़ा झटका, गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था उसमें 120 मामले चिन्हित किए गए थे, जिसमें लगभग 55 मामलों पर जो है मामला दर्ज भी किया और 50 गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद शासन के बड़े अधिकारियों को भी SIT ने ये जरूर कहा था कि एक ये बड़ा घोटाला है जिसको लेकर जो है उन्हें अभी और भी गिरफ्तारियां और भी जांच करने की जरूरत है। हालांकि शासन के लोगों से शासन ने जरूर जो है पुलिस के अधिकारियों से उन नामों की सूची मांगी है जिन पर जो जांच करना चाहते हैं, जिन पर कार्रवाई करना चाहते हैं। लेकिन अमित कपूर का जो नाम, क्योंकि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र हैं अमित कपूर और एक बड़ा मामला इनके भी सामने आया जिसके बाद जो इनकी गिरफ्तारी के जो आदेश भी हुए, लेकिन ये हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट से इन्हें कोई राहत नहीं मिली है। अब पुलिस जो है कभी भी इनकी गिरफ्तारी कर सकती है। ऐसे में अमित कपूर भी हाथ पांव जरूर चला रहे हैं, क्योंकि पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष के पुत्र हैं और राज्य में क्योंकि भाजपा की सरकार है, भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं, तो एक बड़ी मुसीबत का सबब इनके लिए बनने वाला है। जी आशमा, बिल्कुल, अपने बचाव में याचिका दायर की थी लेकिन अब कोर्ट ने जिस तरह से इनकार किया है सौरभ, तो एक बड़ा झटका अमित कपूर के लिए। लेकिन अगर बात करें अमित कपूर के वकीलों की, तो उनकी तरफ से क्या कुछ दलील और अब आगे किस तरह का कदम? देखिए, क्योंकि अब मामला जो है हाईकोर्ट ने जबकि गिरफ्तारी के जो आदेश जो इनके थे उसको खारिज कर दिया है, इनकी गिरफ्तारी पर जो है कोई स्टे नहीं मिला है, तो इनके लिए भी मुश्किलें जरूर है। हालांकि जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना अभी बाकी है, इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि अभी गिरफ्तारी जो है कभी भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस के अधिकारी लगातार जो है शासन के अधिकारियों के संपर्क में है और जरूर जो है मांग कर रहे हैं कि उनके द्वारा कहा गया है, क्योंकि घोटाला बहुत बड़ा है, 50 लोगों की पहले ही ऑलरेडी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तो अमित कपूर को छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में अब सरकार को भी जो है की भूमिका भी देखी जाएगी कि आखिरकार SIT को कितनी जल्दी जो इस चीज के आदेश मिलते, कैसे जो दबिश होगी, कैसे जो गिरफ्तारी होगी, अपने आप में देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।